हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार, जानदार, कमाल, फ्रेश, एनर्जेटिक सेशन में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए डीआई का मैराथन क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, पता होगा कि अब एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं लंबी लंबी क्लासेज करवाकर आपको डीआई करवाने वाला हूं। डीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए ना कुछ कॉमन सेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो बस वो आपके पास है, मुझे पता है, मुझे जानकारी है, और हम डीआई को सीख लेंगे। क्या है इस मैराथन में खास, क्या क्या करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से, मैं आपको परिचय करवाऊंगा। डीआई में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, माफ करना, डीआई में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज को फॉलो करता हूं लाइफ में, और वो ये आपको ये कोटेशन दिख रहा होगा, आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ होना ज्यादा आवश्यक है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको डीआई का जो मैराथन होने वाला है उसमें बतलाने वाला हूं कि ऐसे कौन से ऐसा जो इकाई है डीआई के अंतर्गत जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं डीआई के अंतर्गत। ध्यान रहे, डीआई एक स्वतंत्र इकाई है जो एनटीए नेट की है। नेट की एग्जाम में यहां से 10 नंबर का मटेरियल आता है, यानी टोटल 10 इकाई है, जिनमें से सबसे कठिन इकाई को जिसको माना जाता है वो है साथियों डीआई। तो आप सभी दोस्त जिनको डीआई को सुनकर देखकर घबराहट होती है, उन सभी लोगों के लिए विशेष करिए क्लास का मैंने आयोजन किया है, जिसमें बेसिक तरीके से मैं आप सभी लोगों को डीआई के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं डीआई को हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे डीआई को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बार ये देख लेता हूं कि हमारी क्लास कैसे चल रही है, आवाज वगैरह कैसे आ रही है। डीआई को आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक बार ये देख लेता हूं कि हमारी क्लास कैसे चल रही है, आवाज वगैरह कैसे। आवाज एकदम लल्लन टॉप आ रही है, मस्त आ रही है साथियों, आपको एकदम मेरी आवाज भी बहुत आ रही है। तो जितने भी दोस्त हैं, नमस्कार, नमस्ते। कठिन होती है, आसान होती है, वेरी गुड, क्या बात है यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी यही सुनना चाहता था कि डीआई आपको आसान लगे। चलिए, तो आप लोग बताइए कि आपकी नजरों में डीआई कठिन है या डीआई सरल है। इतने सारे स्टूडेंट इस समय लाइव हमको देख रहे हैं, तो आपकी बात का जवाब इसी क्लास के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आपको डीआई कठिन लगता है या सरल लगता है, कमेंट्स करके बताइए, फिर उसके बाद में ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये आकाश का कमेंट का आप लोग रिप्लाई कर दीजिए आकाश को वहीं पर। खैर, तो रिंपी नेगी कठिन क्या कह रही है, आप लोग बताइए भाई, आप लोगों को क्या लगता है डीआई के बारे में, हम उसी तरीके से समझ समझ कर आगे बढ़ने वाले हैं डीआई को। हाय हाय हाय, मेरा तो सारे क्वेश्चन डीआई में राइट होते हैं आकाश, बहुत बढ़िया है भाई, अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं सारे दोस्तों के हो। हेलो पूनम पाल, डीआई आपने पढ़ाया था? मैंने रतन पढ़ाया था, डीआई मैंने पढ़ाया था, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेज में मैंने डीआई को पढ़ाया था। एक बार सारे लोग आ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको 3-4 प्रश्नावलियों को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यार जरूर से बता देना चाहता हूं कि भाई अनअकैडमी की प्राइस हैं जो हाइक हो रही हैं, प्राइस हाइक हो रही हैं आप लोगों के लिए। हाँ, फटाफट से आ जाइए। तो एक ऑफर चल रहा है जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा, इस ऑफर का आप लाभ जरूर से उठाइएगा। तो यार अनअकैडमी की प्राइस हाइक होने वाली है, जैसे कि आपने जान लिया होगा, अब तक आपको पता लग ही गया होगा। तो एक नया ऑफर चल रहा है जिसमें आप अप टू, माफ करना साथियों, आप 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 19 मई यानी आज तक, आज रात तक, आज रात 11:59 तक अनअकैडमी प्लस क्लास ज्वाइन करते हो, तो भाई साहब आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा।
यानी कि 14,000 जो फीस है हमारी वो घटकर आपके लिए काफी कम यापन होने वाली है। मैं अभी बता दूं कि 21 तारीख से मेरा नया बैच चल रहा है पेपर वन का, ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। ये पेपर वन का लॉजिकल रीजनिंग चल रही है, हिंदी साहित्य का भी चल रहा है, कई सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री और पेड दोनों क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अनअकैडमी ऐप पर जाइए और वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन, ये देखो ये मेरी फ्री क्लास होती है 10 बजे, अगर आप चाहो तो इस क्लास में भी हिस्सा बन सकते हो। तो प्राइस हाइक होने वाला है आप लोगों का, और अब मैं घटकर जो प्राइस हो गई है हमारी उसके बारे में बतला देता हूँ आपके साथियों। दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक तो आइकॉनिक, एक प्लस और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में पेपर वन, प्लस पेपर टू, प्लस इनकी टेस्ट सीरीज, प्लस इन दोनों के नोट्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच या ATC सभी चीज़ों का आपको समाधान देखने को मिलेगा। पहले फीस लगा करती थी, मान लो कि हम 12 मंथ के एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं, पहले फीस लगा करती है 14,500, लेकिन अभी 20% का ऑफर चल रहा है 19 मई तक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अगर आप हैव ए रेफरल कोड में यहाँ पर Lokesh11 लिखकर अप्लाई करते हो तो आपकी फीस 20% के डिस्काउंट के साथ 11,600 होने वाली है। एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आप 12 मंथ, 24 मंथ, आप किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। आज रात को 12 बजे तक ये ऑफर आपके लिए है, उसके बाद में साथियों आप इस ऑफर से वंचित हो जाओगे। अगर आप 11,600 के बाद में रिडीम पर क्लिक करोगे तो और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ भी जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या कि आपको थ्योरी मिलेगी पूरी, पेपर वन 10 के 10 यूनिट करवाए जाएंगे कंप्लीट ए से लेकर जेड तक, पेपर टू करवाया जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये आपके पास में साथियों लास्ट मौका है इस सब्सक्रिप्शन से जुड़ने का। तो Lokesh11 आपको रेफरल कोड लगाना है, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 10% का साथियों इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा लेखा जोखा है हमारा जो आपको साथियों मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हो। हाय एवरीबॉडी, हेलो 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 सर, पीपल एनवायरनमेंट का वीडियो देखो, DIB कर लो, वो सब भी करवा देंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। DI भी काफ़ी कठिन बोल बताते हैं आप लोग, इसलिए DI को भी हम एक बार करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं DI की, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। प्यारे साथियों, इस समय स्क्रीन पर आपको DI का सिलेबस नजर आ रहा है। इस समय अगर आप देख पाओगे तो आपके सिलेबस में इन इन चीजों को यहां पर ऐड कर रखा है, जैसे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्र, ने ऐसे कई कई टाइप के यहां पर साथियों पूरा सिलेबस दे रखा है। अब मैं जो बिगनर है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो इस प्रकार का सवाल आता है, ये है टाइप नंबर वन। एक तो इस प्रकार का चार्ट आता है और आपसे उस चार्ट के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, एक तो इस प्रकार का सवाल आता है। दूसरा सवाल साथियों इस प्रकार के शेप में आपको दिखाई देगा। तीसरा सवाल साथियों आपको इस प्रकार के आंकड़े यहां पर शो करेंगे, तीसरा सवाल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी किस टाइप के क्वेश्चन DI में पूछे जाते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है। और साथियों चौथा है साथियों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि ले देकर ये चार टाइप के क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी 4 टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और स्पष्ट ही आपको उम्मीद है सुनाई दे रहा होगा। प्रणाम एवरीबॉडी, नमस्कार, लाइव क्लास चल रही है, फटाफट से आ जाइए, हमारा भी नाम ले दो, नाम ले देते हैं भाई, नाम का कोई दिक्कत नहीं है। रिम्पी है, आशीष है, रतन है, आकाश है, निशा है और सारे लोग हैं, बहुत सारे रुखसार है, सब लोगों का स्वागत है, दुआ सलाम है।
रुखसार कहने सर रिम्पी जी अपनी क्लास में फरमान शेख का नाम से हैं, उनका नाम सबा है। अच्छा उनका नाम सबा है क्या? फरमान शेख का नाम से उनके नाम सबा है। चलिए तो ये टाई चार प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। देखो जब भी आप डीआई पढ़ने जाओ, जब भी आप डीआई पढ़ने जाओ आपको कुछ मैथ के प्रश्नावलियों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? परसेंटेज निकालना आना चाहिए। एक साथियों आपको औसत निकालना आना चाहिए, क्या है साथियों? एक साथियों आपको औसत निकालने की जानकारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए साथियों? एक आपको औसत निकालने की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है साथियों अनुपात समानुपात, अनुपात अनुपात ऐसे लिखते हैं और समानुपात ऐसे लिखते हैं। एक आपको अनुपात और समानुपात की जानकारी होनी चाहिए, यानी मुख्य रूप से तीन प्रश्नावली, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना और अनुपात निकालना, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। इन तीन चार प्रश्नावलियों की अगर आपको बेसिक जानकारी है तो किसी भी प्रकार के डीआई के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग प्रतिशत निकालना जानते हैं? एक बेसिक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने पानी में हो। जैसे 200 इधर देखिए 200 का 44 कितना प्रतिशत है? चलिए एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके है, 200 का 44 कितने प्रतिशत है? 200 का 44 कितने प्रतिशत है बताइए? 200 का 44 कितने प्रतिशत है? मैं दोबारा थोड़ा बड़ा लिख दूं, मुझे अजीब से लिख दिया गया था क्योंकि मैंने अभी इसको डायरेक्ट बोर्ड में नहीं खोला है। क्या लिख रहा हूं आज, बाप रे। दो सौ का 44 कितना प्रतिशत है? 200 का 44 कितना प्रतिशत है? सिर्फ बहुत सरल सा सवाल है आपके लिए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। ये मुझे लगता है कि प्रतिशत की दुनिया का सबसे सरल सवालों में से एक सवाल आपका होने वाला है। चलिए कोई 88 दे रहा है, कोई 22.5 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दुविधा में तो आप बेटा हो, अभी आप मतलब दुविधा में हो, इसका मतलब प्रतिशत निकालना आपको नहीं आ रहा है। खैर हम सब निकाल लेंगे, प्रतिशत औसत रेशियो प्रपोर्शन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम इन सब चीज़ों को आगे बढ़ेंगे निकाल निकाल कर। खैर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरल से क्वेश्चंस की। मैंने आपको अभी तक क्या बतलाया है? मैंने अभी तक आपको बताया कि एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में आते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में आते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में आते हैं और एक साथियों इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों आपके लिए सरल से क्वेश्चन से। आपके सामने ये है एक फॉर्मेट। चलिए चलिए प्यारे साथियों ये एक डायग्राम आपके सामने दिखा गया है। सबसे पहले हम डायग्राम को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जो एक विशेष दिन पर सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी में 5 फिल्में, फिल्मों का नाम है पी क्यू आर एस और टी के टिकटों की कुल संख्या की बिक्री दर्शाती है। इस तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना है। ये साथियों फिल्में हैं, फिल्मों का नाम, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर, एक का नाम है एस है और एक का नाम है टी। साथियों आपको सिनेमा घर दिख रहे हैं, सिनेमा घर ए सिनेमा घर बी, यहां पर ये सिनेमा घर हैं
जिसमें टिकटों की प्राइस क्या साथी हो, पी वाले सिनेमा घर में तो 200 रुपए और बी वाले में 300 रुपए। यानी कि ये डायग्राम आपके सामने इसमें दिख रहा है। एक बार सबसे पहले हमको डायग्राम की अच्छे से स्टडी करनी है। कर ली हमने स्टडी, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि दोनों सिनेमा घरों ए और सिनेमा घर बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। मतलब ये दो फिल्म है, हमसे पूछा क्यू और आर, इसमें सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी में कुल कितनी टिकटों की बिक्री हुई है। अब आपको इसका आंसर देना है। दीजिए साथियों आंसर। सबके कमेंट शो हो रहे हैं लेकिन मैं अभी पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। कमेंट मुझे सबके शो हो रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा आंसर दीजिए फिर हम समझ, देखो लंबी क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास है, समझ समझ कर आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी हमको नहीं है, बस आप तो आंसर किए जाइए। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई उसमें घबराने की क्या जरूरत है, नहीं हो रहा है तो कर देंगे। मतलब डीआई का फर्स्ट डे है एक तरीके से लगा लीजिए, मतलब ऐसे ही मेरा मन किया कि यार आपको डीआई पढ़ा दूं इसलिए मैं आपको डीआई पढ़ा रहा हूं। मैं हट रहा हूं इस बोर्ड के सामने से, आप कोशिश करो, अगर ये कोशिश आपने ये कर दिया ना ये सब क्वेश्चन, उसके बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी सारी चीजें। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करिए। मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से, जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर बोर्ड के सामने से हट जाइए, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। अब आपको इसका हल करना पड़ेगा। देखो सवाल बहुत सरल है, सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रहे, सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके के सरल सवाल सरल है। ₹1350 जिन भी दोस्तों ने आंसर दिया है वो सबने सही दिया है, जिसमें सबसे पहले आंसर देने वाले हैं रिम्पी नेगी। देखो यार ये सवाल कितना सरल था और इसीलिए सबसे सरल मैं सवाल आपके लिए सबसे पहले लेकर आया था। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि देखो आप लोग ना सबसे पहले डायग्राम को देखकर डर जाते हो, आप सोचते हो अरे भाई ये पता नहीं क्या दे दिया है हमारे पास, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हमको यहां पर दे दिया गया है, आप लोग सबसे पहले इसको देखकर डर जाते हो। जबकि इसमें सिंपल रूप से क्या कहा है कि दोनों सिनेमा घरों में ए और बी को, सिनेमा घर कौन सा है साथियों, सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटें। तो फिल्म क्यू और आर, अब देखो क्यू की बिक्री कितनी गई है सिनेमा घर ए में, जैसे क्यू है फिल्म नंबर क्यू है तो क्यू की बिक्री कितनी है साथियों, 350 तो सिनेमा घर ए में आई है प्लस 400 सिनेमा घर बी में आई है, यानी कि कितनी होगी साथियों 400 और 300 750 तो साथियों ये हो गई क्यू मूवी की। एक साथ फिल्म नंबर आर, आर की 250 तो इसमें हुई है ठीक है, और साथियों 350 हुई है सिनेमा घर बी में प्लस 350 कितना हो गया साथियों, 250 और 350 कितना हो गया 400 और 200 600 हो गया, कितना हो गया साथियों 400 और 200 600 हो गया, नहीं 600 हो गया ना, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 1350 टिकट बिकी हैं टोटल, कुल टिकट कितनी बिक्री हुई हैं 1350 साथियों यहां पर टिकटों की बिक्री हुई है। ये मुझे लगता है कि डीआई का सबसे सरल क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे आपके लिए। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा तो बेटा हो नहीं सकता क्लियर ना दिखें, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है, आप थोड़ा सा अपनी जो क्वालिटी है ना उसको बढ़ा लीजिए, 720 के आसपास की अपनी क्वालिटी को रख लीजिए ताकि आपको सही दिखने लग जाए ठीक है। हाँ फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बड़ा करूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों हमारे साथ, अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिनेमा घर बी पर, देखो क्वेश्चन को समझते जाओ डायग्राम को देखते जाओ,
सिनेमा घर बी पर, यह सिनेमा घर बी है, सिनेमा घर बी पर फिल्म पी, फिल्म कौन सी साथियों, पी, समझते जाओ कि बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा घर बी पर। अब देखो मैं अनुपात समानुपात यही क्लास में चलते चलते ही सिखा दूंगा आपको, चलते चलते सिखा दूंगा। क्या साथियों, अनुपात सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है। बस यहां पर क्या है साथियों, सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की टिकटों की बिक्री का यहां पर बात हो रही है। देखो दोबारा समझो, सिनेमा घर बी पर फिल्म पी और सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की टिकटों की बिक्री की यहां साथियों हमसे यहां पर बात हो रही है, दोनों की टिकटों की यहां पर साथियों हमसे बात हो रही है। तो सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं बी पर फिल्म पी की टिकटों की बिक्री क्या है। फिल्म पी के टिकटों की इतने साथ सिनेमा घर बी पर 300 लिख दिया हमने। देखो ध्यान से देखो, इधर से दोबारा देखो, सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री के टिकट है, सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री के टिकट है कितनी है 300। अनुपात सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की, ये सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की टिकट कितनी है 400। अनुपात 400। अब अनुपात निकालने के लिए हमको समान अंक का भाग देना पड़ता है, समान अंक का, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखा समान अंक का भाग देना पड़ता है। तो हम इन दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे तो 3:4 हमारा आंसर हो गया। अगर कोई आपसे ये कहे कि 150 और 500 इन दोनों का अनुपात क्या है, निकालो, एक जीरो से एक जीरो कितने बच गए 15, अब 50। अब दोनों संख्या में ऐसी संख्या का भाग दो जो पूरा पूरा चल जाए, 5 का दे देते हैं, 5 × 15 अनुपात 5 × 5 और 5 × 2 = 10। अब इनका 150 / 500 का सही आंसर हो गया 13/50, यानी अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो इनके अंतर को डिफाइन कर सके, ठीक है, ओके। किसी को भी अगर कोई भी चीज समझ ना लगे तो मुझसे सहर्ष वो स्टूडेंट पूछ सकता है बिना किसी रुकावट के। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से। सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर, ये है साथियों सिनेमा घर ए। देखो आपको डायग्राम देखकर डरना नहीं है, आपको सबसे पहले डायग्राम पर फोकस करना है और जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन कहता जाए आपको वैसे वैसे ही चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। देखो आपको जब भी अनअकैडमी क्लास ज्वाइन करनी हो आपको लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना है, लॉकेस 11 कोड के प्रयोग से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरा सहयोग और सपोर्ट भी मिलेगा। और रोज 10 बजे मॉर्निंग में रोज 10 AM पेपर 1 की मैं फ्री क्लास आपके लिए करवाता हूं। सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर सभी टिकटों की बिक्री की यहां पर बात हो रही है, तो इसको करिए आप सॉल्व, इसको सॉल्व करिए फिर मैं बात करूंगा आपसे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। जिन लोगों ने सी आंसर किया है उन्होंने सबने इसको सही किया है, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो सबने सही किया है। तो समझने की आवश्यकता है या ना समझें बताइए, हमने दोनों को यहां पर जोड़ देना है और उसके बाद में एक को घटा देना है और 150 हमारा अंतर यहां पर आ जाएगा। तो यानी इस प्रकार का जो, देखो मैंने कहा कि 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम पहले टाइप को पढ़ रहे हैं इस समय, पहले टाइप को समझ रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि रोज 10 बजे अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास होती है, रोज 10 बजे पेपर वन की। इजी था, समझ गए गुरु जी। क्वेश्चन नंबर 5, सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री गई टिकटों की औसत संख्या क्या है? दोबारा आपसे औसत यहां पर पूछा गया है। क्या साथियों, दोबारा यहां पर औसत या आपको यहां पर पूछा गया है। सिनेमा घर बी पर फिल्म क्या साथियों? टी 250, ठीक। सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री, टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री, ये दोनों है ना, तो 350। कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकटों की औसत संख्या क्या है? अब यहां पर आपको इन दोनों का औसत निकालना है, इनकी औसत संख्या आपको निकालनी है। और औसत संख्या निकालने के लिए क्या है, औसत का मतलब क्या होता है? बीच का हिस्सा। अब जैसे कि मान लो कि आपने 10वीं की एग्जाम दी, 10th की एग्जाम दी, आपके हिस्ट्री में, आपके मान लो कि साइंस में नंबर आ गए 60, मैथ में नंबर आ गए 40, अंग्रेजी में नंबर आ गए 35, है ना, मान लो सामाजिक ज्ञान में आपके आगे 75, मान लो किसी अन्य सब्जेक्ट में आपके आगे 80। अब कोई आपसे कहेगी आपकी परसेंटेज क्या बनी है, आपकी औसत क्या है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़कर इनमें एक जितनी संख्या उतना भाग दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनको जोड़कर हम 5 का भाग दे देंगे, तब जाकर हम औसत प्रतिशत हमारा निकल कर सामने आएगा। तो हमने यहां पर क्या किया कि हमारे पास है केवल संख्या 2, तो हमने क्या किया साथियों, 350, 250 प्लस 350 कितने हुए बताइए, 600 हुए। अब 600 में संख्या है 2 का भाग दे दो, 300 आंसर आ जाएगा। औसत क्या है साथियों, 300, यानी किसी में ज्यादा किसी में कम, दोनों को अगर बराबर का करना है, बीच का करना है, तो 300 साथियों आपका औसत निकल कर आएगा, 300 निकल कर आएगा साथियों आपका औसत। ये सरल से हम कठिन की तरफ धीरे धीरे रुक कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुई अभी तक, यहां पर किसी को कोई तकलीफ हुई है क्या यहां तक इस टाइप के क्वेश्चन में? ये मैं थोड़ा फास्ट भी करवाया है, रीजन ये था कि बहुत ज्यादा सरल था, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है तो मुझे बताओ, औसत वगैरह निकालने में कोई तकलीफ हुई हो तो बताइए। सब लोग कमेंट कर रहे हैं नो सर नो सर नो सर, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भी करवाया था इसको, ताकि मतलब हम और अलग क्वेश्चनों पर हम जंप कर सकें। अधिकतर लोग नहीं सर कह रहे हैं, मतलब एक बात बताता हूं आप लोगों में से, यार एक काम करो, आप पेपर वन पढ़ना चाहते हो ना, तो अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर आपको मैं 10 AM पर, मैंने एक नई सीरीज चलाई है जिसमें मैं 10 की 10 यूनिट को कवर करवाने वाला हूं, मैं 10 के 10 यूनिटों को कवर करवाने वाला हूं, उसमें प्यारे साथियों 10 की 10 यूनिटों को कवर करवा रहा हूं, 5 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करवा रहा हूं, फटाफट से फ्री वाली क्लासेज को देखना शुरू कर दीजिए यहां पर। अब हमारे पास दूसरा डायग्राम आ गया है, इस प्रकार के डायग्राम में कुछ आंकड़े आपके ये लिखे रहते हैं इधर की साइड, और कुछ आंकड़े आपके इधर की साइड लिखे रहते हैं। सबसे पहले हमारा मूल उद्देश्य होता है डायग्राम को समझना। आरेख में 2006 से 9 तक के दौरान नगर की कुल जनसंख्या की तुलना की गई है, 2006 से 2009 के दौरान नगर की कुल जनसंख्या की तुलना की गई है, जिसमें पढ़े लिखे लोग स्नातक, हाई एजुकेशन स्नातक, ये लोग हैं स्नातक लोग हैं। हाई स्कूल वाले कौन है साथियों? ये लोग ना हाई स्कूल वाले हैं, ये स्कूल, ये ना हाई स्कूल वाले लोग हैं। और निरक्षर अनपढ़ लोग कौन है साथियों? अनपढ़ लोग ये हैं, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये अनपढ़ लोगों का डायग्राम है, ठीक है। आपको क्या है साथियों, 6 से 9 तक का आंकड़ा दे रखा है, और ये साथियों इनका कितना है प्रतिशत है, कितने, 5%, 10%, ये पढ़ाई के स्तर को दिखा रहा है, ये साथियों पढ़ाई के स्तर को दिखा रहा है, और ये साथियों वर्ष के स्तर को दिखा रहा है,
बस कॉमन चीजें हमने समझ ली हैं, अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तैयार हो? दिख नहीं रहा है। अरे बाबा, चलिए, दिख तो रहा होगा यार, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम भी जल्द होगा, आप एग्जाम की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, बस आप पढ़ाई करते रहें। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप। डीआई समझ नहीं आता है तो डीआई समझाने के लिए ही मैं आपके सामने हाजिर हूं प्यारे साथियों। इस समय डीआई समझाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ नहीं आता है तो उसी को हम लोग समझा देंगे। बिल्कुल होगा, आप हमारी क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पर अपनी पूरी क्लासेज होती है। मैं हट रहा हूं साइड में, थोड़ा सा हट रहा हूं, 108 नंबर का करवाऊं। खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं करवा दूंगा। एक बार खुद को भी परखो कि आप कितने पानी में हो। एक बार खुद को परखो कि आप कितने पानी में हो, खुद को परखो थोड़ा सा। बेटा दो चीजें दिखानी है मुझे, प्रश्न भी दिखाना है, साथ में आपको वो भी दिखाना है, बोर्ड भी। आप सीएसआईआर वालों को नहीं पढ़ाते हो क्या सर? नहीं, मैं एनटीए नेट वालों को पढ़ाता हूं प्यारे साथियों, लेकिन अनअकैडमी पर हम सीएसआईआर के लोगों को भी पढ़ाते हैं। जाइए अनअकैडमी पर, सीएसआईआर का प्लस क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप। यार अगर आप क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो दिख रहा है। दिख तो रहा है यार साथियों, यार क्वेश्चन छोटा कर दो, ग्राफ बड़ा कर दो। ग्राफ में बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है यार, मैं मेरे पास भी मोबाइल रखा हुआ है। चलो मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूं। देखो ये मैंने आपको पूरा ग्राफ समझा दिया था, ग्राफ में क्या चीज है। यदि 2008 में, यदि 2008 में, देखो ध्यान से देखो, ये 2008 की बात हो रही है। यदि 2008 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी, आपको यहां पर मानकर चलनी है कि डेटा दे दिया है कि 2008 में कुल जनसंख्या कितनी है। यहां पर हमारी कुल जनसंख्या कितनी है, इसने मान दिया कि कुल जनसंख्या कितने साथ हो, 80 लाख। ठीक, तो 2008 में कितने स्नातक थे, यानी कितने लाख लोग स्नातक थे। अब स्नातक लोगों का ग्राफ कौन सा है इसको समझो। ये 2008 का है, ये पूरा डेटा कौन सा है, 2008 का है जो आपको दिख रहा है। यहां पर जो स्नातक है साथियों, ये 25% आपको दिखाई पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है साथियों आपको, यहां पर जो स्नातक है ये 25% दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमको यहां पर क्या साथियों, 80 लाख का 25% निकालना है। क्या निकालना है, 80 का 25% निकालना है। जी हां, हम 80 का 25% निकालेंगे तब जाकर हमारी संख्या उत्तर सही आएगी। तो भाई साहब 80 का 25% निकालिए। कैसे निकालोगे 80 का 25% बताइए। 80 का 25% निकालने के लिए मैंने इस आपको प्रतिशत निकालना समझा रखा है। अगर नहीं भी समझा, आपने पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हो तो लगातार देखते जाओ, क्लास के बीच में ही आपको धीरे धीरे आपको प्रतिशत समझ जाएगा। 80 का प्रतिशत मतलब 80 का गुणा 80 का 25% कितना होता है।
तुम 80 का मतलब गुणा 25, प्रतिशत का मतलब भाग 100। क्या साथियों देख लेते हैं, 25 चौका 100, चार बार गया, क्या टेंगे, चार माटी का चार दुनी 8 और 0, यानी कि साथियों यहां पर 20 लाख निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है साथियों, स्नातक लोगों की संख्या है 20 लाख। प्रतिशत निकालना, मैंने आपसे क्लास के प्रारंभ में क्या कहा, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, रेशियो प्रोपोर्शन, ये चीजें आपको आनी चाहिए, बट नहीं आती हैं तो मैं क्लास के बीच बीच में आपको इन चीजों को समझा रहा हूं। देखो जब भी आप प्रतिशत निकालो, जैसे कि लेट से ये प्रतिशत निकाला है हमने, हमको एक चीज फॉर्मूला याद करना है, हमसे क्या था कि भाई 80 का 25% क्या होता है, यही तो था ना। तो हमने लिखा 80 का मतलब क्या होता है गुणा 80 का 25%, 25 लिख दिया, जैसे जैसे शब्द आते जाए लिखते जाओ, प्रतिशत का मतलब भाग और बटे में 100। जो व्यक्ति काटना नहीं जानता वो मेरी तरफ देखो, सबसे पहले तो जीरो आ जाए उसको निपेटो, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, अब हमारे पास बच गया 10, 8 और 25 बच गया। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहां पर 10 है और यहां पर 25 है, अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि यार 10 में भी भाग चल जाए और 25 में भी चल जाए, तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे सबसे पहले, वैसी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, दो बार गया, और 5 दुनी 10, 5 तीय 15, 5 चौका 20, 25, 25 पांच बार गया, क्या पांच बार। अब हमारे पास यहां पर 2 बच रहा है, यहां पर 5 बच रहा है, यहां पर 8 बच रहा है, अब 2 का भाग 5 में नहीं जाता लेकिन 2 का भाग 8 में चल जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, अब यहां पर तो सब ये एक का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो गया, 4 गुणा 5 बराबर 5 चौका 20, 20 लाख इस प्रकार से हो जाएगा। कितने लोगों को काटना नहीं आता, किस ईमानदारी से बताओ, मैं सबसे पहले काटना ही सिखाता हूं आप लोगों को, कितने लोगों को काटना नहीं आता कमेंट करके बताओ, कितने लोगों को काटना नहीं आता, सबसे पहले मैं काटना ही सिखाता हूं और आगे फिर बाद में बढ़ते हैं, कितने लोगों को काटना नहीं आता, ध्यान रहे अनअकैडमी पर पूरा सिलेबस करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह के 10 बजे आ जाओ सबके सब, थोड़ा थोड़ा आता है कोई बात नहीं, आज हम ज्यादा ज्यादा सीख लेते हैं काटना, सीखें काटना सीखें, चलो सबसे पहले काटना ही सीखते हैं, आ जाओ सबसे पहले हम काटना सीखते हैं, चले भाई साहब हम सबसे पहले काटना सीखते हैं, चलिए काटना कैसे, काटा कैसे जा सकता है कि लेट से आपके पास कई संख्या है, जैसे कि आपके पास एक संख्या है 100 बटे या गुणा में भी लगा दो 100 × 500 बटे आपके पास 325 है नीचे एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि ये चलो 325 ये है 3250 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरो से कोई भी एक जीरो को काट दो, हमने मान लो इस जीरो को काट दिया, काट दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बचा, सबसे लास्ट की जो संख्या रहती है ना उसका भाग देना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होता है, तो 5 का भाग साथियों इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, चलो देकर देखते हैं, 5 से काटते हैं, सबसे पहले 5 से इस संख्या को काटते हैं, तो 5 का भाग हमको यहां देना है सबसे पहले, यहां पर इन दो संख्या में 5 का भाग देना है, कैसे देंगे, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 तीय 15, 5 चौक 20, 25 25, 5 छक्की 30, 6 बार गया, बच गया 2, 2 बच गया ना भाई साहब, अब इस 2 को हम यहां लिख देंगे, यहां यानी कि ये 5 हमने पहले छोड़ रखा था क्योंकि हमने केवल 32 भाग दिया है, तो अब ये संख्या 2 बचकर ये हो गई 25, अब ये संख्या टोटल कितनी होगी 25 हो गई, तो क्या करेंगे 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 चौक 25, यानी ये 65 से ये 325 है जो 65 से कट गया, कट गया, अब आगे आ जाओ फिर 5 का देंगे ऊपर, यहां देखते हैं साथियों 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दुनी 10,
बात बराबर हुई। अब देखते हैं पांच दुनी दस के बाद में, अरे कहां गया दादा, ये रहा पांच दुनी दस। अब देखो, अब हमारे पास संख्या निकल करके आ गई है, नीचे भी पांच है और ऊपर भी अभी 500 बचे हुए, यानी कि 500 में पांच का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पांच एकम पांच, छह है ना नीचे, तो छह में पूरा पूरा जा रहा है, एक बजगा पांच तीय 15, ये 13 हो गए। और यहां पे क्या करेंगे, पांच एकम पांच और ये 100 हो गए। तो अब हमारे पास संख्या क्या निकल कर आ गई, 2 × 100/13, यानी एक प्रकार से 200/13, और 200 को 13 में देखिए इस तरह से कटते हैं संख्या। काटना बड़ा आसान होता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे क्लास में पढ़ते जाएंगे ना तो हमको काटना आता चला जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब हमको 109 पर ध्यान देना है। चलिए 109 को करिए, 109 को करिए साथियों। हेलो 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 सलो, मैं एकदम अच्छे सिखा दूंगा काटना, आप तो क्लास में बना रहो करो डेली यार, काटना पीटना बड़ा आसान है। आप पहले ट्राई करो, समझो, कोशिश करो, पहले कोशिश करोगे तो पार पड़ेगी ना, पहले कोशिश करो आप। करिए कोशिश, दो हजार छह से नौ तक, 2006, 2007, 2008, 2009 तक स्नातकों की संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, यानी जो स्नातक हैं इनमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। यहां में जैसे यहां 30% थे, यहां बढ़कर 35 हो गए, यहां बढ़कर 25 ही रह गए घटकर, और यहां घटकर 15 रह गए, यानी कितने कितने प्रतिशत का ऊपर नीचे यहां पर हुआ है मामला, ये सब चीजें हमको यहां पर देखनी है 109 के अंतर्गत। चलो इस क्वेश्चन में थोड़े हमको डाटा अपर्याप्त है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाटा अपर्याप्त, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हमको डाटा अपर्याप्त है। पहले हम, क्योंकि हमको डाटा अपर्याप्त वाले क्वेश्चन पर जाने से पहले हमको बेसिक क्वेश्चन समझने हैं, तो हम थोड़े और बेसिक कर लेते हैं, फिर घूमकर इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे दोबारा से, क्योंकि डेटा इस पर इनकम्प्लीट आपको यहां पर है साथियों। हां, अब आपको ये क्वेश्चन है जो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, 110 नंबर का, इसको पढ़ो और समझो, इसको पढ़कर समझिए, आंसर दीजिए। मैं अट गया साइड में, आप चिंता ना करो, अट गया साइड में, दिख रहा होगा। अंतर पूछ रहा है कि 6 और 9 के स्नातकों के प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है, स्नातकों के प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ लगाओ दिमाग, प्रतिशत का अंतर पूछा है, वो भी क्या पूछा है, प्रतिशत का अंतर। 2006 और 2009 में स्नातकों की संख्या का प्रतिशत, 2006 में स्नातकों की संख्या क्या है, ये रहा स्नातक 30, ठीक है। 2009 में स्नातकों की संख्या कितनी है, 15। अंतर क्या है दोनों का, 30 − 15 = 15, इनमें 15% का अंतर है साथियों, क्या है, 15% का अंतर। बड़ा सरल था, बस समझने का फेर था। हां बिल्कुल रीना, जहां आपने बिल्कुल सही कहा है,
बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो भाई साहब, 111 वाला क्वेश्चन आपके इंतजार में कब से बैठा है कि आप 111 वाले क्वेश्चन को करोगे। चलिए एक सौ ग्यारह वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पिछले क्वेश्चनों के मुकाबले। मैं थोड़ा आपको समय दे रहा हूं और अब आप करिए, समय मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको समस्या ना आए। ट्रिकी है पहले से थोड़ा सा। दो हजार छह और 2009 के स्नातकों की संख्या के प्रतिशत का अंतर क्या है? देखो, जो भी स्टूडेंट ये कह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उससे कह रहा हूं कि आप अपना रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर लीजिए। आप जाइए अपने वीडियो के दाएं तीन डॉट पर, फिर वहां पर जाकर साथ क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए। 480 या 720 आप जरूर से कर लीजिएगा। 480 पर भी काफी अच्छा वीडियो चल रहा है। कर लिया? अरे पहले ये पढ़ लो, हिंदी की क्लास छोड़ दो महाराज। पहले जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो कर लो आप। हिंदी क्लास को छोड़ो एक बार। हिंदी क्लास होगी रात को 11 बजे, 10 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास हो रही है हिंदी 11-10 बजे। 111 वाला क्वेश्चन हमको करना था। यदि 2009 में कुल 13 लाख लोग निरक्षर थे, मान लो कि 2009 है, इसमें निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है? 13 लाख, और इसका मतलब है 65%। अब देख इस क्वेश्चन को समझो, समझो इसको, ट्रिकी को समझो। निरक्षर लोग क्या साथी हो? निरक्षर लोगों की संख्या 13 लाख। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 2009 में 65% लोग निरक्षर हैं, अर्थात 65% मतलब 13 लाख। इसका मतलब ये होगा कि 65% बराबर 13 लाख। भाई यही तो हुआ भाई, निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है? 65%, और निरक्षर लोगों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है? 13 लाख। तो 13 लाख बराबर साथियों क्या है? 65%। सही तो है, 13 लाख बराबर यहां पर 65% है। चार लाख कौन बोल रहा है? जिन लोगों ने 4 लाख बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। यानी 65% बराबर कितना साथियों? 13 लाख। 65% बराबर 13 लाख। अब इस क्वेश्चन को कई प्रकार से सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा करोगे तो बात बन जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं तो 2009 में हाई स्कूल तक साक्षर लोगों की संख्या कितनी थी? तो 2009 में हाई स्कूल कितनी थी साथियों? 20% लोग। तो यार 65% अर्थात 13 लाख, तो 20% का मतलब क्या होगा? तो 20% का मतलब होगा, 20 क्या होगा साथियों? 20% बराबर क्या होगा? 20% बराबर 13 लाख। इकाई, धाई, सैकड़ों, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, बटे में
65, क्या साथियों बटे में 65, और यहां पर 20% निकाला जा रहा है, इसलिए हमको यहां पर 20% लिख देना है। और इसको काट पीटने के बाद इसका सही आंसर आने वाला है 4 लाख। ये इसका आंसर आने वाला है, चाहे तो आप काट कर इसको देख सकते हैं। तो अधिकांश लोगों ने इसको सही किया है साथियों, जितने भी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। यहां पर 65% बराबर 13 लाख हो गया था, बस उसी से आंसर हमारा यहां पर सरल हो गया था। देखो मैं थोड़ा एग्जाम को ध्यान में रख के थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यार ये चीज हमको समझ ना आई, तो वो सबसे पहले पूछनी है आपको, है ना। हाँ अब एक ये प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, सर गुरुजी काट कर बता दो एक बार। अरे बाबा काटने में दिक्कत आ रही है ना, तो 13,65,100, चलो एक काट के देख लेते हैं ना, एक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आ जाओ, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, 13 लाख इंटू बटे में 65, क्या साथियों 65 था ना, कहां गया यार, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख बटे में 65 इंटू 20। अब देखो काटना सीखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, अगर यहां पर कोई जीरो होता तो सबसे पहले हम जीरो से जीरो काट देते। अब लेकिन यहां पर क्या है साथियों, पांच संख्या दिख रही है, पांच, तो जिन संख्याओं के अंत में जीरो होता है उसमें पांच का भाग चला जाता है, तो पांच से हम इसको काटेंगे सबसे पहले। तो पांच से सबसे पहले किसको काटेंगे, सबसे पहले पांच से काटते हैं साथियों हम इसको 65 को। कैसे काटें, पांच का भाग इस संख्या में देंगे सबसे पहले, पांच एकम पांच, छह है इसलिए एक बच गया, और एक को हम यहां लगा देते हैं, यहां पर ये मान लिया हमारा एक, अभी 15 हो गया ना, तो 5 × 3 = 15, 13 बार ये क्वेश्चन कट गया, कितने बार कट गया ये, 13 बार हमारा ये क्वेश्चन कट गया, 5 × 3 = 15 अर्थात ये 13 बार हमारा ये क्वेश्चन कट चुका है। मैं लैपटॉप चार्ज लगा देता हूं, काम करते हैं, ठीक है लग गया। ओके अब पांच का भाग हमको किसी भी संख्या में दे लेना है, मान लो लेट से हम पांच का भाग इसमें देंगे, पांच का भाग हमको डायरेक्ट इसमें देना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत की संख्या है उसमें पांच का भाग देंगे। अब आप कहोगे गुरु जी यहां तो आपने एक संख्या में भाग दिया, आप यहां पर दो संख्या में भाग क्यों दे रहे हैं, भाई एक में पांच का भाग जाता नहीं, अब दोनों मिला लेंगे तो 13 हो गया, तो 13 में पांच का भाग चल जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, लेकिन 5 × 2 = 10, कितना साथियों 5 × 2 = 10, दो बार कट गया। अब 10 और 13 में 3 का अंतर है, 10 और 13 में 3 का अंतर है, अब इसको हम मान लेंगे यहां पर 3, अब संख्या कितनी बच गई, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख बच गई, ठीक है। अब हमने इसको इतना मान लिया, 5 × 3 = 15, अब इसमें आगे दो भाग काटो, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम देखेंगे 30 में भाग देंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 5, 5 × 6 = 30, 6 बार चला गया ये, और जितनी संख्या बच गई है 1, 2, 3, 4 हमने यहां पर लिख दी। देखो सबसे पहले 13 से काटा, फिर हमने 30 से काटा, 6 × 5 = 30, 6 लिख दिया, और 4 जीरो बच रही थी, 4 आगे लिख दी, अब ये पूरा का पूरा भाग यहां पर हमारा चला गया है। अब ये है 13 और ये 13 × 26, अब 13 का इसमें भाग चल जाएगा, जैसे 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, दो बार कट गया, 4 जीरो है लिख दो, 1, 2, 3, 4 लिख दिया 4 जीरो। अब आओ क्या क्या बच गया हमारे पास में, अब हमारे पास बच गया साथियों 2, 1, 2, 3, 4, यानी कि 20,000, और यहां पर बच गया 20,
इंटू 20, ये संख्या हमारे पास बच गई है। तो 20,000 इंटू 20 करते हैं तो 4 लाख होता है। काटना आया? इस प्रकार से काटा जाता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी क्लास उसको काटते हो। मैंने उम्मीद है साथियों काट कर बता दिया। रीना कोई समझ कोई दिक्कत आ रही है काटने में? काटने में अगर कोई समस्या हो तो मुझे बोलिए कि हमको ये समस्या भी काटने में आ रही है। काटने में कोई समस्या हो तो बताइए। काटना मैं और भी बता सकता हूं आपको, लेकिन काटने में कोई समस्या नहीं आती है, बस आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब नहीं है, और धीरे धीरे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो काटना तो हम साथियों सीख ही जाएंगे यार। काटना क्या करेंगे हम साथियों, सीख जाएंगे। तो आज मैंने आप लोगों के लिए दो प्रकार के, पिछले एक घंटे से मैंने दो प्रकार के, वो कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी सर, ये अब से एक घंटे पहले क्लास स्टार्ट हुई थी, एक घंटे से ज्यादा समय हो गया है, एक घंटे से ज्यादा समय हो गया क्लास को चलते हुए। मैंने दो प्रकार के क्वेश्चन समझा दिए थे। आप ये इधर देखिए, दोबारा से आ जाइए, इधर को आ जाइए। मैंने आपसे कहा था कि डीआई में चार प्रकार के क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रकार ये वाला प्रकार, तो ये वाला प्रकार मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये वाला प्रकार मैंने आपको समझा दिया है। पहला प्रकार ये आता है, ये समझा दिया है। एक आता है साथियों प्रकार नंबर टू, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस आप देखकर डर जाते हो लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। एक ये क्वेश्चन आते हैं जिसको मैंने समझा दिया अभी अभी, एक इनके एक का प्रकार ये है, और एक साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रतिशत निकालना जानते हैं, अगर आप औसत निकालना, अनुपात निकालना जानते हैं, तो आपके लिए डीआई की क्लासेज बहुत सरल होती हैं। लेकिन नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। हर रोज होती है क्या सर ये क्लास? मैं बताता हूं मेरी क्लास कहां होती है हर रोज। रुको, सारी चीजें आपको मैं एक एक चीज बता देता हूं कि किस प्रकार आप मेरी क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो। मेरी जो क्लास होती है ना प्यारे साथियों, वो होती है अनअकैडमी ऐप पर फ्री। मैंने हमारे गांव देहात के स्टूडेंट्स के लिए एक मुहिम चला रखी है। उस मुहिम में मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लास करवाता हूं। क्या करवाता हूं साथियों? फ्री क्लास करवाता हूं आप लोगों के लिए। कितने बजे करवाता हूं? 10 बजे करवाता हूं। अभी अभी नया बैच स्टार्ट किया है फ्री क्लास पे। फ्री नया बैच स्टार्ट किया है मैंने, AM पर फ्री नया बैच स्टार्ट किया है मैंने आप लोगों के लिए 10 बजे। अब यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, ऑल 10 यूनिट, ऑल 10 यूनिट, मैं आपको ऑल 10 के 10 यूनिट यहां पर करवा रहा हूं।
हेलो, आवाज आ गई है साथियों। मैं बेहद क्षमा चाह रहा हूँ कि मैं बेहद क्षमा चाहता हूँ कि आवाज नहीं आ रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मैं एक्चुअली वायरलेस माइक यूज करता हूँ जिसमें कोई वायर नहीं रहता है, और ये ऑफ हो गया। इसमें बैटरी खत्म हो गई और ये वायरलेस माइक ऑफ हो गया। इसके चक्कर में मैं जैसे बोल रहा था और मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैं तो पीट करके बोल रहा था। मैं ये वायरलेस माइक यूज करता हूँ, ये वायरलेस माइक यूज करता हूँ, उसमें कोई वायर नहीं लगती है, और वो आवाज कब की चलेगी पता ही नहीं लगा। कहाँ तक सुन लिया था आपने? कहाँ तक सुन लिया था? मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। मैंने जो पूरा प्रोसेस आपको समझाया था अनअकैडमी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने का, वो आप कुछ भी नहीं समझ पाए। तो भाई, पूरा फ्री क्लासेस समझने का प्रोसेस ये है कि आप इस तरीके से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ो। ये पहले दिन का प्रोसेस है, और उसके बाद में साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, नेट को सेलेक्ट करते हुए सब्जेक्ट को चुनते आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं रोज फ्री स्पेशल क्लास पढ़ाता हूँ 10 बजे, मेरे कहने से आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है दिन के 10 बजे, डेली अनअकैडमी ऐप पर मेरी फ्री क्लास होती है ना। तो आज मैंने दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। अनअकैडमी की प्राइस हाइक हो रही है, आप जो भी साथी अनअकैडमी से परिचित हैं, ये तो मैंने फ्री वाली क्लास के बारे में बता दिया, लेकिन जो भी साथी परिचित हैं अनअकैडमी से, जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए प्लस का सब्सक्रिप्शन। हम इन सब पेपरों की तैयारी करवाते हैं, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लेबर लॉ, ये सब की सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं हम लोग। यानी ए से लेकर फुल कॉन्सेप्ट, स्टोरी, एमसीक्यूज, नोट्स, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो लौके सिलेमन रेफरल कोड लगाओ, अनअकैडमी ज्वाइन करो, आपको साथियों 20% का डिस्काउंट मिलेगा आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। चाहे आप प्लस ज्वाइन करो, चाहे आप आइकॉनिक। जो साथियों पहले 14,500 फीस लगा करती थी, अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है 19 मई तक। तब तक प्यारे साथियों लॉकेस 11 कोड लगाकर यहां पर अप्लाई करने से आपकी फीस 11,600 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 11,600 आपकी फीस हो जाएगी। इसी प्रकार से आइकॉनिक की फीस भी आपकी यहां पर बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो ये नया ऑफर आपके लिए चल रहा है। अब मैं क्लास को कल लूंगा, क्योंकि थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो गई है। आज अनअकैडमी पर 8 बजे आप जुड़ना मत भूलना, अनअकैडमी पर 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है। तो प्राइस हाइक हो उससे पहले साथियों ज्वाइन कर लीजिए। 20% का ऑफर आप लोगों के लिए निकल कर आया है अनअकैडमी पर जी। 19 मई तक, यानी आज रात तक, आप अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस बढ़ने वाले हैं, ऐसा मौका आपको फिर नहीं आएगा, ध्यान रहे। तो नए नए बैचेज हमारे शुरू हो रहे हैं, आप जाइए और इन सभी बैचेज का हिस्सा बनिए। अब हम फिर से कल, मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको डीआई इसी समय 12 बजे, मेरी कल फ्री क्लास होगी, डीआई में आपको फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है साथियों, हाँ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। लॉकेस 11 रेफरल कोड विक्ट्री का सिंबल। थैंक यू, शुक्रिया। क्लास ओवर, अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो क्या क्लास में? यार क्लास काफी टाइम से चल रही है, मैंने दो टू टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, और भी पढ़ना चाहते हो तो बोलो। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है यार, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है।
तो मैं सोच रहा हूँ खाना खा लूँ, अगर और पढ़ना चाहते हो शाम की फिर क्लास रख देंगे, शाम के और रख लेंगे यार, क्या चिंता करते हो। लेट आए हो ना आप लोग यार, क्लास तो काफी टाइम से चल रही है। मेरा परिचय कई लोग जानना चाह रहे हैं कि सर आपका परिचय क्या है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश है और मैं अनअकैडमी पर विगत कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरा पेपर वन पढ़ाता हूँ एनटी नेट कैटेगरी में, मैथ रीजनिंग डीआई कम्युनिकेशन ऐसे सभी यूनिट्स को मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, 10 के 10 यूनिट्स। इसके अलावा हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और पीएचडी किया है मैंने देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से, पढ़ा हूँ पढ़ाया है विश्वविद्यालयों में, दुनिया भर के आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हैं, पढ़ने पढ़ाने का कई वर्षों का अनुभव है। तो ये है मेरा परिचय एक शिक्षक के रूप में, जो आप आ सकते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। रोज मैं 10 बजे क्लास लेता हूँ अनअकैडमी ऐप पर फ्री, उन गांव देहात के स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है साथियों। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, लव यू ऑल।